की बात ये है कि दाता साहब का पाकिस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस साल पे खड़ा है कभी ये आई एम एफ से मांगने जा रहा है कभी ये किसी से मांगने जा रहा है वो आई एम एफ से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ आके भी अर्ज कर दो गंज बख्शे फैज आलम मदहरे क्या कहने दा तुम्हे हिदायत दे तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए ये हुजूर हजू नबीम का फैज है खजाने खत्म हो गए कासिम युती ये नहीं खत्म होगा कहने वाले भी सुल्तानुल हिंद

अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे बाबा जी ने काम किया था क्यों नहीं मिट्टी फड़ान दिया टेमा और कहां से पकड़ाऊं मिट्टी है ही नहीं जहां तक नजर जाती सोना ही सोना <laughs> बाबा जी बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा जवाब बाबा जी जवाब खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी आजा जवाब हरिओ 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 ये रॉन्ग नंबर है ये रॉन्ग नंबर है आप से तो ये कह रहे हैं जनाब के जी आईएमएफ से क्यों कैसे मांग रहे हो और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे आवाम गरीब से मांगते हैं उस वक्त नहीं शर्म आती आम बंदे बीमार होते हैं उनको दरबारों में लेके जाते हो और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिवा इंटरनेशनल लेके जाते हो उस वक्त ले जाया करो ना वहां पर फैजे आलमे खुदा आज तक सुने जो किडर से आने तो कहानी पीछे लाया जाने आप उन्होंने पता भी क्या होता है कुछ भी नहीं होता हुक्मरान तो आपकी नजर में फासिक है फाजिर है मुजरिम है आप तो नेक रुए हैं ना सारी नेक रुए पाकिस्तान की इट्ठी होकर जाए दरबारों में और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा ये आईएमएफ का कर्जा उतार दें हमारी बिजली पूरी कर दें ठ तक तो आप रावी के पुल पे आके बम पकड़ते थे आपके दरबार पे बम ठोक के चला गया एक बंदा वो आपसे नहीं पकड़ा गया हो सकता है उन दिनों में आप किसी विजिट के ऊपर हो तो मेहरबानी करें अब तो इस मुल्क के ऊपर कोई करम फरमाए पूरी दुनिया में बाबों के जितने है ना जो साहब भी सुनाते हैं ये किताब आठ सौ साल पहले फरीदुद्दीन अतार ने लिखी है जिसको मंगोलों ने कतल किया था मैं भी मंगोलों को ला दू लेकिन उस टाइम वो काफिर थे अल्लाह ने उनको मुसलत किया मुसलमानों पर अब इस्लाम की दौलत से सरफराज करके मुझे मुसलत कर दिया इनके ऊपर तो खुद ये निकाय मारते रहे और जब मंगोल आया तो मंगोला ने मारी, के सारी। आ, निगारी निगारी होती ही तो फरी के बारे में लिखा है कि लोग उनके ऊपर खाम खा लगाते हैं तो बोलता था अगर उन्होंने यह कह दिया कि क्यामत के दिन मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे तो इसे क्या फर्क पड़ता है वो तो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था जी सूरह तौबा पढ़े सबसे क्रिटिकल जंग नबीम की मुबारक जिंदगी की गजबे तबूक डेढ़ लाख की फौज लेकर कैसे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और नबी इस्लाम के पास सिर्फ तीस हजार जानसार साहब है जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है और मुखालफत में डेढ़ लाख का लश्कर बाकी साहब है जा नहीं सकते साथ साथबा आयत नंबर नाइनटी टू में अल्लाह फरमाता है कि नबी इस्लाम तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान ज कर सकूं तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे तो उस वक्त स्लम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना दरख देखा तो सोना इधर देखा तो सोना वो तो तिल में ऊपर तले दो तीन अहदीस मौजूद है कि सईद और गनीत स्लम ने अपनी जो दौलत थी ओर के कदमों पर नशावर की तबू के मौका पर नबी इलासलाम ने जन्नत की इशारा सुनाई नबीम की तो कहीं तालीमत नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप जो है वह दस दफा दुरूष पढ़ लें भूख लगे तो दस दफा आप सुबह बिहम पढ़ लें मेरे भाई अल्लाह ने दुनिया को अबाब के साथ जोड़ा है तो आप इस किस्म की चीजें क्यों लोगों को बताते हैं नबी इस्सलाम की तो कहीं तारीमात नहीं है आपने तो हमेशा असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया और उसके बाद मुसबाब से दुआ मांगने का हुक्म दिया ए अब हुरैरा जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए पूरी कोशिश करना उसके बाद अल्लाह से मदद तलब करना काहिल ही ना करना सुस्ती ना करना फिर भी तेरे खिलाफ रिजल्ट आ जाए तो फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी

मूँ बहुत कम भी तुम नसीहत हासिल करते हो इस आयत के अंदर अल्लाह तला ने क्लियर कट हुक्म फरमा दिया कि जो कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करता है गोया कि उसने उसे अपना खुदा हिला और मबूद मान लिया हुआ है बारिश कौन बरसाता है अल्लाह ड्यूटी किसकी है फरिश्तों की लेकिन हम फरिश्तों से बारिश मांगेंगे कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है जी कहते हैं बुजुर्गों की ड्यूटियां तो मुशरक हो जाएंगे भाई नबील इस्लाम ने सलातुल इसका बारिश की नमाज तालीम फरमाई है वो जी जो मदद कर रहा है मुश्किल कुछ तो है ना तो भाई सबसे बड़ा जो मुश्किल कुछ वो तो सूरज है आपका कोई बाबा इतना बड़ा मुश्किल कुछ आई है दुनिया में मौसम सूरज की वजह से तब्दील होते हैं दुनिया में हवाएं सूरज की वजह से चलती हैं दुनिया में बारिशें सूरज की वजह से होती हैं समुद्रों का पानी वाइब्रेट होकर ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर होता है वहां से पिघल के जमीन के ऊपर और नीचे दरिया चलते हैं बारिशें होती हैं आपकी गंदुम हर तरह की जो फसलें हैं सूरज की वजह से वो पकती हैं तो क्या हम कहेंगे अलमद या सूरज जरा आप बादलों से बाहर तशरीफ ले आइए कि सर्दी का मौसम करीब आ रहा है और बादलों में छुप जाइए कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है ये नहीं आप रिश्तों को भी नहीं कह सकते ये दे दो। नहीं। आप कहेंगे, ala ala और हमारे नबीम को अल्लाह कुरान में फरमारा जब कभी भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारी लेकिन उन्हें भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने मुझ पर ईमान लाए जैसा कि ईमान लाने का कहा है

जिसे अल गाफिर भी कहते हैं तिलावत की उधर अस्तजिब लकुम ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा इन अन इबादती बेशक जो लोग मेरी इबादत से मुझसे मांगने से तकब्बुर करते हैं मैं उन्हें खार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा तआला ला तजअलना मिनहुम हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है दुनिया के बादशाहों से आप मांगे तो वो नाराज होते हैं और हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है और ये आपको बाबों के पीछे लगा रहे हैं बजाय कुरान की तालीमत पर अमल करने के

क्या चीज दीन का इल्म दीन की तालीमत वो अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूं इसमें रिस्क का कहां पर जिक्र है इसमें तो इमाम मुखारी ने बाब बांधे बकायदा कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का फरमाता है उसे दीन की फिर कदा फरमा तो दीन और तो रसुल्ला से ही सीखेंगे ना दीन तो नबील इस्लाम की मुबारक जुबान से निकली हुई हर चीज का नाम है चाहे वो कुरान की शक्ल में हो चाहे सुन्नत और अजीज की शक्ल में हो इसमें तकवीनी अमूर कहां से आ गए वह आपने कहां से दाखिल कर दिए लिटरेचर में कोई खराबी इस जुमले के अंदर नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की ताद करे कामयाब हो गया जो इन दोनों की नाम करे वो बहक गया लेकिन नबी नबीलाम को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के आपने फरमाया बेअसल खतीबा कितना बुरा खतीब है तू तुझे तो चाहिए था कि तू कहता वह मई असल रसूल फकद जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बह गया तू ने यह क्यों कहा कि जो इन दोनों की करे अब उसने तो नहीं कहा कि यार मैं तो आपको अल्लाह का बंदा मानता हूं गैर मुस्तकिल मानता हूं अताई मानता हूं जाती नहीं मानता ना और जमाने से कहानियां नहीं सुन

व अला व अब ही व अजवा जी व उम्म ही अजमा इलामदीन अलहमदिल्ला आज अट्ठारह सप्तर दो हज़ार बाईस को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर सिक्सटी साठ नंबर मुनद होने जा रहे हैं आपके सवाल ये पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं अच्छी खासी ये पर्ची हैं इनको मैं इनशाला बाद में डिस्कस करूँगा पहले करंट अफेयर के तौर पर जो इशू इस वीक में सामने आए मैं उन्हें डिस्कस कर लूं उनमें सबसे पहले तो हमारे जो महबूब और ममदू हैं डॉक्टर सलमान मिसबाई साहब हाफिजा उनकी रात को ही एक वीडियो वायरल हुई है और इस तरह की जब वीडियोज आती हैं तो फौरन लोग हमें भेज देते हैं ताकि हम उस हवाले से कोई रिबटल के तौर पर बात कर दें उम्मत की असलाह के लिए तो वो एक सोशल मीडिया का चैनल है उसके ऊपर बैठ के पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हुए कह रहे थे कि हमारे जो हुक्मरान हैं इन्हें सबक सीखना चाहिए कि ये पाकिस्तान तो हज़रत दाता बख्श जिनका आज कल उर्स जारी है अली हिजवेरी साहब अलमतवा फोर सिक्सटी फाइव हिजरी आलमोस्ट हज़ार साल होने वाले हैं उनको फौत हुए हुए तो वो पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल हैं अगर पाकिस्तान को खजाने में कमी है गंज अगर ख़त्म हो गया है गंज कहते हैं खजाने को वो कहते हैं गंज बख्श तो हमारे पास मौजूद है हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि बजाय आई एम एफ से कर्जा मांगने के वो इनके दरबारों पर जाए इन से जाकर मांगें और अस्तफरुत अली अपने बाबों को जस्टिफाई करने के लिए एंड पे उन्होंने जो हदीस पढ़ी वो नबील इस्लाम से मुतल थी आ, सही बुहारी की हदीस इन नमा वकी वो इनशाला मैं बाद में एड्रेस करता हूँ इस हदीस को तो वो अपने बुजुर्गों के बारे में कह रहे थे कि आप उनसे जाकर मांगे आपके मसले हल हो जाएंगे की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान हजरत खाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस साल पे खड़ा है कभी ये आई एम एफ से मांगने जा रहा है कभी ये किसी से मांगने जा रहा है वो आई एम एफ से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो गंज बख्शे फैजे क्या कहने खुदा तुम्हें हिदायत दे तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए ये हजू नबीम का फैद है खत्म हो गए नहीं खत्म होगा कहने वाले भी सुल्तानुल हिंद है हाँ हाँ ये नहीं कि जितनेीर बुजुर्ग मौजूद है हाँ हाँ हाँ। ना इन सारों को दाता दरबार ले जाए हुक्मरान तो नहीं जा रहे ना हुक्मरान तो आपकी नजर में फासिक है फाजिर है मुजरिम है आप तो नेक रूए हैं ना सारी नेक रूए पाकिस्तान की इकट्ठी होके जाए दरबारों पर और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा ये आईएमएफ का कर्जा उतार दें हमारी बिजली पूरी कर दें उन्नीस तक तो आप रावी के पुल पे आके बम पकड़ते थे आपके दरबार पे बम ठोक के चला गया एक बंदा वो आपसे नहीं पकड़ा गया हो सकता है उन दिनों में आप किसी विजिट के ऊपर हो तो मेहरबानी करें अब तो इस मुल्क के ऊपर कोई नजर करम फरमाए तो ये आप हुक्मरानों को क्यों मशवरा दे रहे हैं उसमें तो चार बातें और निकल आएंगी हुक्मरान चले भी जाए निकलना तो इसमें से कुछ नहीं है हाँ जिल्लत मजीद बढ़ सकती है तो फिर आप लोग कहेंगे जी हुक्मरान तो आपको पता है फासिक और फाजिर है तो बुजुर्गों ने तो उनकी सुननी नहीं है तो आप लोग जाओ ना बजाय हुक्मरानों को मशवरा देने के ये जो शिरकिया एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो आप खुद करो और फिर निकालो इसमें से जो निकलता है और ये कहानियां करवानी बंद कर दें आप लोग असल में इन लोगों ने कुरानो सुनना तो पढ़ा नहीं हुआ ये बुजुर्ग बाबों की किताबें पढ़ते हैं और इस किताब का तो मैं बेशुमार दफा पोस्टमार्टम करवा चुका हूं कशुल महजूब का जो मंसूब है अली बिन उस्मान अजवेरी की तरफ हम एक टन हुसनजान रख लेते हैं कि उन्होंने नहीं लिखी होगी लेकिन इनके मानने वाले तो उन्हीं की तरफ मंसूब कर रहे हैं उस किताब के अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने टेम्पर्ड तौरात का एक गुस्ताहाना वाकया हजरत दाऊदम के बारे में कि वो अपनी साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो गए थे और उसे कत्ल करवा के खुद शादी कर ली नाउजुबिल्ला इससे उन्होंने जुनेद बगदादी का साहब साबित किया साहब और सुकर का चैप्टर निकाल ले कशुल मजूब में और रिजल्ट निकाला इस झूठे वाक्य से उसके बाद उन्होंने नाउदुबिल्ला मिनजालिक हमारे नबी की इज्जत के ऊपर हमला करते हुए जैद इबन हारसा की बीवी सैदा जैनब उनकी तरफ एक झूठा वाक मनसूब के नबीलाम को वो एक दफा आपकी नजर पड़ गई तो वो अपने खामन के ऊपर हराम होगी और बाद में हजूर ने उनसे शादी कर ली नाउबिल्ला और इससे उन्होंने अपने बाबा जी बाजीद बुस्तामी का सुकर साबित करने की कोशिश की यानी अपने बाबों की गलतियों परदा डालने के लिए अंबिया को तख्ते मश्क बनाया इन लोगों ने मैं काफ़ी दफ़ा ये सारी चीज़ें पेश करके इनके पोस्टमार्टम भी कर चुका हूं मुझे आज उन चीज़ों के पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ़ उस बरकत के लिए मैंने इन लोगों का स्टेटस बताया है कि जिन लोगों की तरफ ये आप लोगों को भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी दलील इसकी ये है कि जो ख्वाजा अजमेरी थे उन्होंने ये शेर कहा था गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूर खुदा और उनका नाम ले रहे हैं कि जिनकी तरफ किताब मनसूब है हशत बहिश्त में जो फवादुलसालकिन चैप्टर है जो पाक पतन शरीफ वाले बुजुर्ग जो थे ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर उन्होंने अपने पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मल्फात जमा किए क्योंकि उनके पीर आ गए महीनुद्दीन चिश्ती अलबा सिक्स थर्टी थ्री हिजरी थे तो उनकी तरफ वो चिश्ती रसूल्ला वाला वाक़ काफ़ी दफ़ा मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूं मुझे तो शर्म आती है बार बार इन चीजों को हाईलाइट करते हुए कि किन लोगों का दिफा कर रहे हैं किन लोगों को अपना बुजुर्ग बना के पेश कर रहे हैं बाजीद बुस्तामी के बारे में यानी जो जो बातें कशुल मजूब में उन्होंने क्लेम किए कि उनके मुंह से अल्लाह बोलता था नाउबिल्ला ये तो हमारा कैीदा रसुल्ला के बारे में नहीं है वसल्लम हम कहते हैं ये अपनी ख्वाहिश नफ से कुछ नहीं कहते ये वो कहते हैं जो इन पर वही होता है ये बात सेम तस्कर तो लौलिया के अंदर भी लिखी हुई है वहां तो एक स्टेप आगे गए हैं वो फरीदुद्दीन अतार अलमुतव सिक्स ट्वेंटी सेवन हिजरी पूरी दुनिया में बाबों के जितने वाक्यात हैं ना जो मिसबाई साहब भी सुनाते हैं ये किताब आठ से आठ सौ साल पहले फरीदुद्दीन अतार ने लिखी है जिसको मंगोलों ने कत्ल किया था मैं भी मंगोलों की औलाद हूं आ, लेकिन उस टाइम वो काफिर थे अल्लाह ने उनको मुसलत किया मुसलमानों पर अब इस्लाम की दौलत से सरफराज करके मुझे मुसलत कर दिए इनके ऊपर तो खुद ये निगाहें मारते रहे और जब मंगोल आए तो मंगोला ने निगाह मारी तलवार मार के वट चढ़े सार इन्हेंगाह होते ही रह गई तो फरीदुद्दीन अतार ने तस्कर में बाजीर बुस्तामी के बारे में लिखा है कि लोग उनके ऊपर खाम खा इल्जाम लगाते हैं उनके मुंह से तो अल्लाह बोलता था अगर उन्होंने यह कह दिया कि क्यामत के दिन मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो तो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था जी वो तो आड़े किसी बाबे बब्बे खंगण भी नहीं देना क्यामत अले दिन वैसे तो आपको बताते हैं जी बुहारी मुस्लिम में हदीस है कि उस दिन अंबिया भी नफसी नफसी कर रहे होंगे अच्छा अंबिया नफसी नफसी कर रहे होंगे और बाबे कह रहे होंगे कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे बल्कि इससे अगली बार लिखी हुई है लिवाई आम लिवाई मोहम्मद मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा ये बाजीद बुस्तमी ने ए, अब मैं क्या कहूं बकवासियात इद फरमाए ये क्या ठीक है तो ना ही बाजीद टू सिक्सटी वन हिजरी में फोत हुए हैं ये अबू यजीद बुस्तमी यजीद अब्बा जी

अर्ज करेगा कि मुझे हुक्म भी यही था कि आपके नाम के ऊपर दरवाजा खोला जाए हमारे इमाम जो है वो सेंटर्ड अराउंड प्रॉफिट हैं और इनके इमाम जो है वो अपने अराउंड सेंटर्ड हैं ये फर्क है खैर इसके ऊपर मैं इतनी दफा बोल चुका हूं कि मुझे फिर एक घंटा सिर्फ इन बाबों का पोस्टमार्टम करने के लिए चाहिए मैं मिसबाई साहब की उस स्टेटमेंट की तरफ आता हूं जो उन्होंने कहा कि जी जाके तो बाबा जी से मांगना शुरू कर दें तो बाबा जी जो है वो हेल्प आउट कर देंगे आईएमएफ से मांगने की जरूरत नहीं तो सरकार जाओ ना मंगो ना अब ये इस तरह की बातें पता क्यों करते हैं इन्होंने बाबो से यही कुछ सीखा बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी जी बाबा बाबा एक सवाल है बाबा जी। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा जवाब बाबा जी जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी जवाब हरिओ, हरिओ हरिओ ये नंबर नंबर है। है। ये है। आ, आया ना याद ये इन्होंने यही कुछ सीखा हुआ है। कशुल मजूब से ये वाक्य लिया हुआ है जो वो सुनाते हैं बड़े शौक से वो कहते हैं कि जी वो हमारे जो पीर भाई है ना उन्होंने मुझे खुद सुनाया अली बिन उस्मान हजवेरी साहब के पीर भाई ने उनको ये वाक्य सुनाया कि जी जो हमारे मुश्तरका पीर साहब थे ना अबुल फज़ल खुतली सिलसिला जुनेदिया में थे वो तो एक दफा उनकी हजामत बड़ी हुई थी और उनके पास पैसे नहीं थे कहने लगे या तेरी नबी की सुन्नत टूट रही है तो मुझे कुछ पैसे अता कर दे तो वो पीर भाई उनका जो अली इजेरी साहब को कहानी करवा गया वो कहता है जी मैं उस वक्त दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था आ, ये शैतूत का जो दरख्त है ना उसके लिए कीड़ों के लिए वो जो पत्ते इकट्ठे करने के लिए तो कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जी दरख्त के पत्ते उसकी टहनिया और अगली कहणी सुनो उसकी जड़ भी सोने की होगी जड़ की तो नजर आती है और मिसबाही साहब सुनाते कहते हैं हा ना आ, हाँ यही मैं आप वे क्या दाता हजूर कश्र मजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम पूरा दरख्त उसकी टहनिया उसका तना उसकी जड़े भी सोने की हो गई सारा हाँ सारे सोने का हो गया अब वो जो है ना वो मट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ तू तो नीचे देखा तो जमीन सोने की <laughs> जमीन सोने की है ये क्या हुआ दाई देखा तो सोना बाई देखा तो सोना आगे देखा तो सोना पीछे देखा तो सोना अब बाबा जी ने काम किया था क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा है। और है इनी सोने है कहां से मिट्टी ही ही नहीं जहां तक नजर जाती सोना सोना है। ठीक है। अब मिसबाई साहब तो बेचारे ये कहानियां सुनते और सुनाते रहे उन्होंने तो आपको यही कहना है कि जी कोई बाबा निगाह मारे तो कोई दरख्त सोने का हो जाए मेरे भाई ये तो इस किस्म के वाक्यात अगर होने होते ना अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन नहीं है लेकिन जो चीजें हम नबील इस्लाम के बारे में क्लेम नहीं कर सक रहे दुनिया को अल्लाह ताला ने इसबाब के साथ जोड़ा हुआ है आप वो बातें अपने बाबों की तरफ क्यों मंसूब करते हैं कि ऊपर देखा तो सोना दाएं देखा तो सोना बाएं देखा तो सोना और ठीक है जी और मट्टी के ढेले भी नहीं जनाब संजय के लिए मिल रहे सोना ही सोना कहानियां सारी सोने का नहीं कहानी सारे सोने का तो मेरे भाई सूर्य तोबा पड़े सबसे क्रिटिकल जंग नबील इस्लाम की मुबारक जिंदगी की गजब तबूक डेढ़ लाख की फौज लेकर कैसरे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और इस्लाम के पास सिर्फ तीस हजार जानिसार साहब हैं जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है और मुखालफत में डेढ़ लाख का लश्कर बाकी साहब हैं जा नहीं सकते साथ सूर तोबा आयत नंबर नाइनटी टू में अल्लाह तला फरमाता है कि ए इस्लाम तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब के वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे तो उस वक्त हजूराम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना दरख्त देखा तो सोना इधर देखा तो सोना वो तो तिन मजीम में ऊपर तले दो तीन अहदीस मौजूद है कि उस्मान गनी रदी अल्लाह तलाम ने अपनी जो दौलत थी हजूर के कदमों पर निशावर की तबू के मौका पर और नबीसलाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई तो जहरी सबाब तो इख्तियार कर रहे हैं नबीसलाम की तो कहीं तालीमात नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप जो है वो दस दफ़ा दुरुषी पढ़ लें भूख लगे तो दस दफ़ा आप सुबह अल्लाबिखमदी सुबहानल्लाम पढ़ लें मेरे भाई अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है तो आप इस किस्म की चीजें क्यों लोगों को बताते हैं इस्लाम की तो कहीं ये तालीमत नहीं है आपने तो हमेशा इस्बाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया और उसके बाद मुसबल्सबाब से दुआ मांगने का हुक्म दिया सही मुस्लिम में तकदीर वाले चैप्टर में आलमोस्ट फिफ्टी के करीब अहदीस है फिफ्टी टू सिक्सटी उसकी जो आखिरी हदीस है ना वो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह को इस्लाम ने फरमाया अबू हु जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए पूरी कोशिश करना उसके बाद अल्लाह से मदद तलब करना काहिली ना करना सुस्ती ना करना फिर भी तेरे खिलाफ रिजल्ट आ जाए तो फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी अगर मगर ना कहना अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है लेकिन ये एंड पे है कोशिश पूरी करना फिर अल्लाह से मदद तलब करना हां बख्शे फैज आलम नहीं अल्लाह से मदद उसके बाद काहली और सुस्ती नहीं करनी कोशिश भी करनी है और काहली और सुस्ती भी नहीं करनी फिर भी रिजल्ट खिलाफ आए फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी कि ठीक है अल्लाह ताला कोई मंजूर नहीं था अपनी एफर्ट तो पूरी पुट करनी है ये कौन सा दीन है जो आप लोगों को सिखा रहे हैं आप उस नबी के मानने वाले हो जिस नबी ने आपको हर नमाज की हर रकत में तालीम फरमाई है और उसमें जो आयत नंबर फोर है इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन अल्लाह हम इबादत भी सिर्फ तेरी करते हैं और मदद भी यानी दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगते हैं आप यह पेश करें अच्छा जी आप रोटियां अमी से नहीं मांगते ऐ जे जेना दे कुरान का मजाक उड़ाते हैं ये लोग और जी कोई पानी में डूब रहा हो तो वो फिर अल्लाह को पुकारेगा या वहां पर मौजूद बंदों को पुकारेगा अंदाजा करें जी वो मुस्लिम के हदीस में आ गया ना कि पहले कोशिश करेगा बंदों को पुकारेगा असबाब इख्तियार करेगा और फिर अल्लाह से मदद भी तलब करेगा कि अल्लाह ये जो सबब मैं इख्तियार कर रहा हूं ये इस काबिल हो के मुझे बचा ले जी ये कहां लिखा है जी कुरान में लिखा हुआ है वह नेकी और प्रेसगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो बुराई में एक दूसरे से अलग रहो कुरान में हुक्म है कि रोटी अम्मी से मांगनी है और अम्मी को हुक्म है कि उसने बेटे को खिलानी है पूरा कुरान पढ़ के तो देखो तुम लोगों को कहानियां करवाई हुई है जी जी रोटी अम्मी से मांगेंगे वो मेरे भाई एक सिंपल सी बात है आप ये मेरे सामने बैठे हैं मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दें सामने मौजूद है आप बगदाद शरीफ में वहां भी कबर के अंदर है मैं को मुझे पानी पिला दे वही बात वही जुमला गायब में पुकारना हो जाएगा ये शिरक हो जाएगा क्योंकि आपकी मेरी कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकती जी इसका सबूत जी कुरान में है सूरत आयत नंबर सिक्सटी टू अमुबल खुलाफा बला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर अला क्या अल्लाह के साथ कोई और अला भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो कली तथा करून बहुत कम भी तुम नसीहत हासिल करते हो इस आयत के अंदर अल्लाह तला ने क्लियर कट हुक्म फरमा दिया कि जो कोई शख्स Allah के सिवा किसी से दुआ करता है गोया के उसने उसे अपना खुदा इला और मबूद मान लिया हुआ है। बारिश कौन बरसाता है अल्लाह ड्यूटी किसकी है फरिश्तों की लेकिन हम फरिश्तों से बारिश मांगेंगे कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है जी कहते ना बुजुर्गों की ड्यूटियां तो मुशरिक हो जाएंगे भाई नबीस्लाम ने सलातुल इसका बारिश की नमाज तालीम फरमाई है ओ जी जो मदद कर रहा हो मुश्किल कुशा तो है ना तो भाई सबसे बड़ा जो मुश्किल कुशा वो तो सूरज है आपका कोई बाबा इतना बड़ा मुश्किल कुशा नहीं है दुनिया में मौसम सूरज की वजह से तब्दील होते हैं दुनिया में हवाएं सूरज की वजह से चलती हैं दुनिया में बारिशें सूरज की वजह से होती हैं समुद्रों का पानी वाइबरेट होकर ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर होता है वहां से पिघल के जमीन के ऊपर और नीचे दरिया चलते हैं बारिशें होती हैं आपकी गंदुम हर तरह की जो फसलें हैं सूरज की वजह से वो पकती हैं तो क्या हम कहेंगे अलमदद या सूरज जरा आप बादलों से बाहर तशरीफ ले आइए कि सर्दी का मौसम करीब आ रहा है और बादलों में छुप जाइए कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है भाई ये नहीं आप फरिश्तों को भी नहीं कह सकते कि फरिश्तों ये पैगाम दे दो नहीं आप कहेंगे अल्लाह मोहम्मद पहुंचाएगा या बुखारी मुस्लिम हदीस है जब तुम पढ़ोगे नबी वक्त इबादा तो जमीन ओसमान में हर नेक बंदे तक अल्लाह तला तुम्हारा सलाम पहुंचा देगा हम यहां भी जब पढ़ते हैं तो रसूल्ला तक हमारा सलाम पहुंच रहा है अली का या रसूल हम पढ़ रहे हैं नमाज में पढ़ रहे हैं नबी लेकिन किस नीत है कि अल्लाह पहुंचा रहा है यह नहीं कि वह यहां पर मौजूद है उस अदीज में मौजूद है वो अदीज पूरी नहीं पढ़ते उसमें से आजरो नाजर निकाल रहे होते हैं कभी कुछ निकाल रहे होते हैं वही अधीज तो पढ़ के देख लो तो अगर नबी इस्लाम के बारे में स्टेटस तो ताड़े शाही कोई नहीं ना आ उनकी क्या औकात है क्योंकि नबी के जैसा है ही कोई नहीं बबे थे शाही कोई नहीं हमारे मुकाबले पर नहीं नबील इस्लाम के मुकाबले पर तो ये इस किस्म की जो शिरकिया तालीमत आके उस शख्स की तरफ से जो ये दावेदार हो के मैं इस्लाम का मानने वाला हूं नमाज में तुम पढ़ो ईया क ना अब दू का नस्त और उस पूरी वीडियो में उसने अल्लाह का जिक्र कहीं नहीं किया कि अल्लाह से भी मांगो अल्लाह के आगे रो अल्लाह से मांगो कोई नहीं बिल्कुल फारे और हमारे नबीस्लाम को अल्लाह तला कुरान में फरमा रहा है इबादी करीब एन अभी जब कभी भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं उजीबाई दान हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारे यरशुदून लेकिन उन्हें भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने मुझ पर ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाने का हक है फिर वो रुझद हदायत पा जाएंगे ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगी आप अल्लाह को रिस्पॉन्स करेंगे अल्लाह ताला सुनने वाला है उदरूनी अस्तजिब लकुम ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं कबूल करने वाला हूं तक बिरू ना इबादती बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकबर करते हैं अच्छा बात हुई दुआ की और जिक्र आ गया इबादत क्योंकि दुआ ही तो इबादत है जी अब उदो तिरमजी सुनसाई में हदीस है अब दुआबाद दुआ ही तो इबादत है और फिर हजूर ने यही आयत सूरतमिन की आयत नंबर सिक्सटी जिसे सूर्य अलगिर भी कहते हैं वो तलावत की जिब लगू मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा इन तक इबादती लोग मेरी इबादत से मुझसे मांगने से तकबूर करते हैं ख़्वार करके जहनम में दाखिल करूंगा हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वह नाराज होता है दुनिया के बादशाहों से आप मांगें तो वह नाराज होते हैं और हमारा रब है कि उससे ना मांगा जाए तो वह नाराज होता है और यह आपको बाबों के पीछे लगा रहे हैं बजाय कुरान की तालीमत पर अमल करने के सही बुखारी खोल कर देखें अब्दुल्ला बास कहते हैं कि तुम्हारे जद अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में फेंकने का इरादा किया नमरूद ने तो उन्होंने वहां पर पुकारा था हसबल वकील और तुम्हारे नबी पे भी जब मुश्किल वक्त आता था वो कहते थे अल्लाह वकील हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया वही बेहतर कारसाज है और ये तो कुरान में भी सूर्य इमरान में भी मौजूद है कि अहले ईमान को जब खबर पहुंची कि काफिर उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं तो नबीलाम उनके साथियों ने कहा हसबुल्ला नहीं वो वो कह रहे जी उत्थे जाके कहो बख्शे फैज आलम जाम तिरमिजी में अलमुस्तर हाकिम में मौजूद है कि इस्लाम हर मुश्किल हर परेशानी में कहते थे या, या क्यूम बेहमति का अस्तगीफ के साथ पढ़ेंगे तो अस्तगी नून के साथ पढ़ेंगे तो नस्तागी वो जमा का सीखा हो जाएगा ए खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं हमें तो यह सिखाया जा रहा है जामिया तिरमिजी में हदीस है कि जो शख्स भी यूनुस अलैहि सलाम की दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ अल्लाह उसे महरूम नहीं लौटाएगा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन और कुरान में भी अल्लाह ने इस दुआ के साथ फरमाया कदालिक नुंजिल मुमिनीन इस तरीके से हम अहले ईमान को भी निजात देंगे जिस तरह यूनुस को दी थी इस दुआ के जरिए यह असमाए आजम है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या, या क्यूम बिर अगर लाता और लाला बिल्ला ये है असमाय आजम जिनके जरिए आपने अल्लाह की तरफ मतवजह होना है गंजब फैज आलम मजरे नूरे खुदा एथे नहीं एक किसी आयतीज नहीं किसी दीसीज नहीं लाउलावलाव इल्ला बिल्लाह बुखारी मुस्लिम हदीस है साहब इक्राम कहते हैं नबी इस्लाम ने फरमाया मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना देता हूँ लाउलावलाव इल्ला बिल्ला नहीं है ताकत गुनाहों से बचने की और ना नेकियां करने की हिम्मत मगर उसकी तोफीक के साथ अच्छा एंड पे आगे उन्होंने ना वो बुखारी की हदीस पेश की बाबे बचाने के लिए हदीस नबी इस्लाम के बारे में और बात बाबों की हो रही है और वो हदीस ये हमेशा आपको पेश करते हुए नजर आएंगे इस पर तुररा ये कि उस हदीस के ऊपर शेर कह दिया आल हजरत आमज अब रिलवी साहब ने रब है ये है कासिम रिज उसका है खिलाते ये हैं इसका कोई लेना देना ही नहीं था वो कहते हैं कि अल्लाह अता फरमाता है और रसुल्ला तकसीम करते हैं रिस्क उसका है खिलाते ये हैं ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक समझबूझ ट्रू अंडरस्टैंडिंग अता फरमा देता है और अल्लाह देता है मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूं क्या चीज दीन का इल्म दीन की तालीमत वो अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूं इसमें रिस्क का कहां पर जिक्र है इसमें तो इमाम बुखारी ने बाप बांधा बाकायदा कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिकता कता फरमा तो जहरा दीन तो रसुल्ला से ही सीखेंगे ना दीन तो इस्लाम की मुबारक जुबान से निकली हुई हर चीज का नाम है चाहे वो कुरान की शक्ल में हो चाहे सुन्नत और हदीस की शक्ल में हो इसमें तकवीनी उमूर कहां से आ गए वो आपने कहां से दाखिल कर दिए फिर आपको हम मुसनद अहमद की हदीस न सुनाएं जो अल अदबुल मुफरद में भी इमाम बुखारी की किताब में मौजूद है कि एक सबी ने हजूर के सामने आकर कह दिया या रसूल अल्लाह था जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे तो नबीलाम ने फरमाया अजाल तनी लिदा क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया बल माशाह बल्कि क्या जो अकेला अल्लाह चाहे तूने ये क्यों कहा कि जो अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे आगे से उसने नहीं कहा नहीं यार सुल्ला आप अल्लाह के बंदे ही हैं ना आपका महदूद है अल्लाह का गैर महदूद है इल्म आप जो है वो मुस्तकिल भी नहीं है गैर मुस्तकिल भी है आपका अताई है अल्लाह का जाती है इल्म अल्लाह की रामत जाती है आपकी अताई है ए कहानियां उस जमाने चौधिया ही नी नहीं सन भाई इस सब की सब झूठी बातें इन लोगों ने बाद में मंसूब करके बेड़ा ग्रह कर दिया उम्मत का और आज जो है ना वो हम जब चीखते हैं तो कहते हैं जी इतने बुजुर्गों को बात समझ नहीं आई है तो नहीं आई ना यार और कितना आपको यकीन दिलाए आपने क्यों उनके बारे में क्लेम कर लिया कि वह बहुत बड़े हो गए हैं उन्होंने कुरान दिन पढ़ा था नहीं पढ़ा हुआ था और इसी में वो बचते हैं अगर पढ़ के ये सब कुछ किया ना फिर हम उनके ऊपर कोई और ही फतवा लगाएंगे कि इस्लाम की जड़ें काटने के लिए आए थे तो बचाना है तो यही कह दें कि बेचारा ने कोई पढ़े आया उन्हें शेर ही पढ़े हुए सर आ हम पढ़ रहे हैं या कहना नस्ताइन ए पढ़ देने सुन फरियाद पीरा दिया पीरा मेरी फरियाद सुनी कंधार के वो आ आदि के मुकाबले में इन बाबों का क्या लेना देना और इमामुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेंसिटिविटी का लेवल देखें सही मुस्लिम में किताबुल जुमुआ चैप्टर में हदीस है कि एक सहाबी ने हुजूर अलैहि सलाम के सामने खुतबा देते हुए कह दिया मैं युति अल्लाह व रसूल फ़क़द राशद जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया वह मैं यहाँ आसही और जिसने इन दोनों की नाफरमानी की फ़क़द गवा वो बहक गया परफेक्ट जुमला बोला लिटरेचर में कोई खराबी इस जुमले के अंदर नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताद करे कामयाब हो गया जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो बहक गया लेकिन इस्लाम को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के आपने फरमाया खतीब खतीबंता कितना बुरा खतीब है तू तुझे तो चाहिए था कि तू कहता वह मैं असल रसूल फकद गवा जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बह गया तूने ये क्यों कहा कि जो इन दोनों की करे अब उसने तो नहीं कहा कि यारसुल्ला मैं तो आपको अल्लाह का बंदा मानता हूं गैर मुस्तकिल मानता हूं अताई मानता हूं जी नहीं मानता नौ जमाने से कहानियां नहीं सर और अबू दउ में आगे अल्फाज हैं तुम एध उठ निकल जाए इधर से ये गुस्सा उस शख्स का यार रबीस्लाम तो ईमान के सबसे आला दर्जे पे है ना हमारे जैसा बंदा जिसे थोड़ी सी तोहिद की समझ है ना उसे भी पता है कि तोहिद कितना सेंसिटिव इशू है अल्लाह के नजदीक एटीट्यूड यही होना चाहिए इतना कुछ करके भी उम्मत बाबों को पुकार रही है अगर यह कुछ ना हजूर ने किया होता हुजूर ने इसलिए किया कि ताकि तुम्हें बताया जाए कि अगर मैं ये स्टेटस रखता हूं ना कि मुझसे दुआ नहीं हो सकती तो थोड़े बाबे ते शाही कोई नहीं ये नबी नबीस्लाम असल में ये बताना चाह रहे थे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं थोड़े बाबे थे शाही कोई नहीं बल्कि हूं तो कहना चाहिए थोड़े बाबे थे शाही कोई नहीं नबीस्लाम क्या आप सेंसिटिविटी का लेवल देखें किस लेवल पे उतर के समझा रहे हैं। कि तूने ये क्यों कहा कि इन दोनों की तू दोबारा से कह अल्लाह रसूल आप बेशक पढ़ते रहे जी वो नहीं जी वो कोर्ट कोट एक बाबा जी फरमा गए हिक है हिक है हिक है जेड़ा वो आके वो मुशरिक है और भाई जड़ा हिक, हिक डू आके दादा करो भाई दोनों अलग है हादिस को कदीम से अलग करने का नाम तोहेद है खालिक को मखलूक से अलग करने का नाम तोहेद है हाँ तालीमत में एक है वो बिल्कुल वो तो यहां तक आया मैं फ़कद्ला जिसने रसूल की इतात की गोया उसने अल्लाह की इतात की तालीमत में एक है वहां हम फर्क नहीं करेंगे मैं ये बात कर रहा हूं दुआ करने में तकवीनी अमूर में तकदीर के मामला में खालिक और मखलूक का तो फर्क रखना ना मेरे भाई बाकी इसके ऊपर तो काफ़ी देर बोला जा सकता था बेशुमार बातें करने को हैं लेकिन मैंने ओवरऑल एक नट शैल के अंदर आपके सामने एक मुकदमा रख दिया है ताकि जिन की किस्मत में असलाह है वो हो जाएगी हमारा तो काम है कि रसुल्ला की मुबारक दावत आप तक पहुंचाएं और आपको बताएं कि आपके बाबों ने मक्के और मदीने की आवाज़ लगा के सवारियां उठाई हैं और जाके बगदाद में अजमेर में बरेली और देवबंद में फेंक दी हैं नाम यूज किया उस शख्सियत का जिसकी कबर मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जोड़ा उन्होंने अपने बाबों के साथ तो अल्लाह का शुक्र है जितनी इज्जत इन्होंने पिछले हजार बारह सौ साल में कमाई थी उससे ज्यादा ज़िल्लत इन बारह सालों में काट ली है ये मानते हैं नहीं आप लोग हाँ।, हाँ हकीकत बात है इनकी कांपे टांग रही हैं हाँ यानी कि इनकी टांगे कांप रही हैं हाँ कि ये कितना खतरनाक नाक हुआ है हमारे लिए मैं नहीं हुआ मेरे भाई हूँ कम मुक् गया तो मैं जो कुछ रिकॉर्ड कराना करा दिता कहानी छी तो हां हम बरसियां करीओ अपने फिरके दियाे हाँ। बह के ना बरसियां करीओ हो बेशरमी की था कि इन्होंने और फिर कहते हैं जी बुजुर्गों का इतनाम नहीं है बै उस बुजुर्ग का इतनाम कहां से होगा जो इज्जत रसूल्लाह के नाम पर अवेल करे और इबादत अपनी करवाए उसका अदब हम कहां से करें हम किसी की इज्जत अल्लाह और उसके महबूब की वजह से करते हैं वसल्लाम और जब कोई अल्लाह रसूल का नाम लेके अपनी इबादत करवाए अपना पुजारी लोगों को बनाए तो फिर हम उसकी इज्जत क्यों करें आपसे तो ये कह रहे हैं जनाब के जी आईएमएफ से क्यों कर्जे मांग रहे हो और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं उस वक्त नहीं शरम आती आम बंदे बीमार होते हैं उनको दरबारों में लेके जाते हो और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो उस वक्त ले जाया करो ना वहां पर और कहा करो गंज बख्शे फैज आलम मजरे नूर खुदा आज तक सुने जे किडे सियाने जे तो हनु कहानी पीछे लाए आने आप उन्होंने पता है भी क्या होता है कुछ भी नहीं होता कहानी सुने इनकी तो इन शह के फजल से इस प्लेटफॉर्म से ये सच्चाई की आवाज बुलंद होगी बाकी आपने तोहिद के हवाले से मेरी एक वीडियो है तोहहीद से मुतलिक दस धोखे जो पांच कुरान की आयात से ये धोखे देते हैं और पांच अदीस को मिस यूज करते हैं वो पूरा एक मुकदमा है जो मैंने रिकॉर्ड करवाया और आज से आलमोस्ट दस साल पहले एक लेक्चर था मेरा दुआ सिर्फ अल्लाह ही से मसल नंबर थ्री वो भी आप देख सकते हैं और एक रिसर्च पेपर मैंने इसके ऊपर लिखा है रिसर्च पेपर नंबर थ्री दुआ सिर्फ अल्लाह ही से हमारी वेबसाइट पाक डॉट कॉम के ऊपर तो बाकी के सारे से मैंने उसमें सेटल कर दिए हैं है, अल्लाह के फजल से जो छोटी छोटी चीजें पकड़ के इन्होंने शिरक उम्मत में फैलाया हुआ है खत्म हो गया है वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवा दी मुझे अपने बात तुम से शिरक का खौफ नहीं जो जो इन्होंने धोखे दिए और आधी हदीसें और आधी आयतें पढ़ के इन्होंने उम्मत का किबला खराब किया मैंने सब कुछ बयान किया और मेरा ये चैलेंज है कि ये तर्जमे आप अपने बुजुर्गों के खुद पढ़ के देखें आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने आपको धोखे में रखा हुआ है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले हवाला हम देते हैं खोलो कंजुली मान आला हजरत का पढ़ो तर्जमा लिखा हुआ है कि नहीं वो तो आपको पता चल जाएगा कि सब के सब धोखे के ऊपर मबनी इनकी चीजें सल्लु अला मोहम्मद व मुहम्मद, व असहाबी मुहम्मद व अजवाज मोहम्मद इला यौमिद्दीन आमीन